मैं ये कह रहा था कि हम अपने लोगों को जो कि इस समय कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवाएं दे रहे हैं, कोई सिक्योरिटी इंचार्ज है, कोई सिक्योरिटी गार्ड बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो हम इन लोगों को पहुंचकर और इनके माध्यम से जहां पे भी ये काम कर रहे हैं अपने परिवार के लोगों को भी जोड़ें, इनको भी जोड़ें, और जहां काम कर रहे हैं उन लोगों को जोड़ें, और हर कोई 21 लक्ष्यों सहित परिवर्तित भारत तो चाहेगा ना, चाहेगा वो कि तो नहीं है सर, चाहेगा। एक राइट राइट थिंकिंग मैन जो है वो तो चाहेगा। और इसके तो जो जो पहले हाँ राइट थिंकिंग नहीं है उसको अपन नजरअंदाज कर दें। हाँ नहीं सुनिए, देखिए वो तो है। देखिए, अपन जो है ना 140 करोड़ में से सिर्फ 100 करोड़ लोगों को ही तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, 40 हाँ सर, हाँ सर, करोड़ को तो अपन छोड़ रहे हैं। तो चल अपन जो है ना, जो अपन को लगता है कि हमारी मानसिकता से नहीं मैच खा रहा है और उसके अपने लक्ष्य हैं और वो कह रहा है कि नहीं नहीं भाई मुझे तो नहीं जोड़ना है, तो कोई बात नहीं है, राइट। जो राइट कह सर, रहा है राइट कि राइट हम सर। समझ अच्छा गए जो हैं, सर ये जो लिंक भेजा आपने, इसमें क्या चीज है? अच्छा ये इसके माध्यम से क्राइम फ्री मिशन का ऐप लिंक है ये, तो उसको जब आप अच्छा क्लिक करेंगे तो वो क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है ऐप डाउनलोड हो जाएगा, राइट। ऐप उसको डाउनलोड मत होगा। आपको डाउनलोड करना होगा उसे, वो आप क्लिक नहीं, करेंगे तो वो इसमें आपसे जो ये परमिशन। बात आप कर रहे थे वो सारी है उसमें या हाँ रिटर्न में हाँ या? हाँ हाँ उसमें सब कुछ है, अच्छा अच्छा उसमें वो सब अच्छा अच्छा डॉक्यूमेंट्स भी हैं। यदि आप अबाउट कम्युनिटी जाएंगे तो उसमें भी सब चीज अपलोडेड है, तो अच्छा अच्छा 21 लक्ष्य अच्छा हाँ जो सर, है। देखो अपने बताऊं, हम तो इतना कन्वर्सेंट नहीं है इसके साथ में, स्पेशली जो आजकल जो चला हुआ है, तो आजकल ये भी फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं। आप ये लिंक खोलो और एकदम आपका बैंक, क्योंकि एवरीथिंग भी ये तो होगा। डीजी साहब भेज रहे हैं जो आपसे बात भी कर रहे हैं, तो इसमें आपको हाँ उतना डर पालने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ ना आपको, इसलिए भी लोग डरते हैं या कोई लिंक नहीं खोलते। मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, मैं कई बार ऐसे कई आते रहते हैं, तो मैं आई डोंट मतलब ओपन दिस, तो क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं है अब उससे पहले, तो वो है क्योंकि ये नहीं, फोन लेकिन नंबर ये और मेथड। इस मैसेज में और बाकी मैसेज में थोड़ा सा अंतर करने की जरूरत है, क्योंकि एक डीजी आपसे बात कर रहा है, अच्छा ये बाकी लिंक से भिन्न चीज हो गई ना। सर, ना वो तो है सर, अभी लिंक में अभी तो कोई पता नहीं, मैं आपको थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। तो लिंक में ऐसा है ना कि आजकल तो कभी आपको भी शायद आते होंगे आई नो हाँ, तो उनको खोलना साइबर नहीं, आपका क्राइम से, नाम देखिए मेरी पेपर बात में आ रहा सुनिए, है रोज का, आपके वो आ देखिए रहा है देखिए कि मेरे मेरी फोन बात पे ही ध्यान, आपका पैसा है, ये चला गया, ये उतना हो गया, फ्रॉड हो गया, ये हो देखिए गया, मैं आपको तो बताऊं, ये थोड़ा सा डर रहता है। ये भी हमारी ढीली व्यवस्था है। साइबर क्राइम के मकसद से चाहे कोई मैसेज भेजे या लिंक भेजे या फोन पे बात करे, सर ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध जो है ये अटेम्प्ट क्राइम है, ये अटेम्प्टेड क्राइम है। यदि आपको लॉस नहीं भी हुआ है तो भी, सर यदि आपने लिंक डाउनलोड नहीं की, उसने लिंक भेज दी, सर इतने मात्र से उसने अपराध कम कर दिया। क्राइम हाँ फ्री सर भारत तो इसका पंजीयन करके उसे जेल भेज देगा। सर और अज्यूम करिए कि उसने आपने जो है ना 1 लाख जगह या 1,000 जगह वो भेजी है, तो उसके प्रूफ जो है ना 2 मिनट में हो जाएंगे, वो जो है ना 1,000 ऑफेंसेस में उसको सजा होगी। तो यदि 3 महीने की भी सजा मिलेगी तो 3,000 साल की हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, पर ऐसा हो रहा है क्या सर नहीं अभी नहीं कुछ? ये हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? यदि ऐसा इतनी हो अच्छी नहीं सकता, व्यवस्था होती तो फिर क्या फायदा था? ये वही राजनेताओं ने तो तो बात आपको है घटिया सर। व्यवस्था दी, उसी को तो बदलने की बात चल रही है ना, उसी को तो बदलने की बात चल रही है। सर देखिए, ये ये वो है चीजें हैं जो आपके सोच अनुभव और उसका हिस्सा नहीं है, ये सर। किसी का सोच का हिस्सा है। वो कह रहा है कि हम आपके ये सब चीजें बदलेंगे, और उसका नाम है मैथिली शरण गुप्त, जो 7 साल तक जो है मध्य प्रदेश में जो है ना डीजी के पद पर रहा है, डीजी रेलवे, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड डीजी पुलिस रिफॉर्म के पद पर रहा है, सर जो कि आईजी जो है ऑपरेशंस काश्मीर भी रहा है और सब विभिन्न पदों पर रहा है, और जिसने अपनी एक छाप छोड़ी हुई है कि वो जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। यही कारण है, आपको बताइए आपको कितने आईपीएस ऑफिसर मिलेंगे जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट करके सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं? नहीं मिलेंगे आपको। कितने जो है ना आईपीएस ऑफिसर मिलेंगे जिनके एमओयू जो है ना उन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी से करके क्राइम फ्री भारत के लिए सॉल्यूशन डिजाइन कराए हों बच्चों से, ऐसे हाँ, आपको एक भी आईपीएस ऑफिसर मिलेगा क्या?
वही मैं बोला ना सर, अगर ऐसे लोग जुड़े हैं तो दे विल बी मोर प्रोडक्टिव फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी, फॉर दिस थिंग, मेरा ये क्योंकि कहना है कि सीईओ का नॉलेज भी वो ज्यादा होगा। जिम्मेवारी मैथिली शरणगुप्त की है, टेक्निकल सॉल्यूशन बनाना बच्चों के साथ और कानून विद के साथ, कानून को ड्राफ्ट बनाना और फिर सर उसे संशोधित करके, हमने वो प्रक्रिया भी आपको समझाई ना कि कैसे जो है ना, फिर वो विधानसभा में कैसे पहुंचेगा। विधानसभा में ऐसे नहीं पहुंचेगा, सर विधानसभा में पक्के पहुंचेगा वो। सर तो आप, इसमें आपका सर, आपका गुड नेम सर, मेरा नाम है मैथिली शरण गुप्त, मैं आईपीएस ऑफिसर हूं 1984 बैच का। अच्छा, आप रिटायर्ड है और आप इसी मतलब इसके हेड हैं, है हाँ, ना मैं सर? नेशनल प्रेसिडेंट हूँ क्राइम फ्री भारत मिशन का, और राइट सर, मैंने 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज कर 2019 में दो मिशन को नेशनल पुलिस मिशन घोषित कराया था, जिसमें एक क्राइम फ्री भारत भी था, और उसी के तहत हमने जो 30 सितंबर को वो कानून का ड्राफ्ट भेजा था, राइट सर 30 सितंबर को जो ड्राफ्ट भेजा था ना, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, वो 30 सर, सितंबर 2020 को भेजा था, और वो लिंक जो है लिंक आज भी लिंक में सर वो भारत चीज मिलेगी हमें, अपने जो लिंक भेज रहा है उसमें ये चीजें मिलेंगी उसमें जो है ना ये लक्ष्य, बाकी सब चीजें मिलेंगी, और ढेर सारे सर? उसमें वीडियो जो अपलोड होते हैं वो मिलेंगे, और ज्यादा विस्तार से आप देखना चाहते हैं तो YouTube चैनल पर क्राइम फ्री भारत टाइप करिए और उस राइट चैनल सर, को सब्सक्राइब करिए। उसमें 3500 वीडियोज हैं कि व्हाट विल बी द मॉडल्स, हाउ इन योर 21 लक्ष्यों को कैसे हम जमीन पर उतारेंगे। इसमें जो हम बच्चों से को जो गाइडेंस दे रहे हैं टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशंस के, जो उसका वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसके वीडियो भी अवेलेबल हैं। सर मतलब कैसे जो है ना क्राइम फ्री भारत का एग्रो इंजन काम करेगा, एग्रो मॉडल काम करेगा, कैसे जो है आयुष मॉडल काम करेगा, कैसे जो है ना विभिन्न का कैसे क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल काम करेगा। तो क्राइम फ्री भारत जो है पूरे 21 लक्ष्यों के साथ जमीन पे उतरने के लिए उसका होमवर्क हो चुका है, जिसे रिफाइन करके टेक्नोलॉजी और कानून का हिस्सा बनाते हुए इस देश को बदल दिया जाएगा। ये राजनेता कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसमें सर मतलब कोई सर्विंग सर्विंग ऑफिसर्स वगैरह भी हैं क्या किसी सर्विंग ऑफिसर्स अपने? भी हैं, उनका अच्छा जो धीरे धीरे भय खत्म हो रहा है कि उनको जब बार बार समझाया जाता है कि इसमें सर, किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, भारत के हर नागरिक को इन 21 लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता घोषित करना चाहिए, राइट। और इसमें ना तो हम चक्का जाम कर रहे हैं, ना जुलूस कर रहे हैं, ना किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं, लिहाजा राइट सभी सर्विंग और नॉन सर्विंग ऑफिसर जो है वो जुड़ सकते हैं। आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछा, तो एक बार इस तरीके इसका तो बार बार रिपीटेशन करने की जरूरत है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ सर ठीक, और मैं ये भी चाह रहा हूं कि जैसे आपकी जो 4-5 लोगों की वेटरन्स की टीम है, ये इन लोगों से हम लिंक भेज देंगे, हम वीडियो पे चर्चा करेंगे और वो लाइव होगी जिसे पूरी दुनिया देखेगी, और उसमें हम चर्चा करें कि हम अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। देखिए बाकी सब चीजों के तो इंजन बने हुए हैं, मॉडल बने हुए हैं, राइट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मॉडल ये है कि क्या हम इन राजनेताओं को पराजित कर सकते हैं। तो ये मॉडल क्या सकता कह रहा है कि हाँ कर सकते हैं, और इतना पावरफुल मॉडल है कि मतदान के पहले ये राजनेता बेबस होकर अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, चाहे दिखावी तौर पर ना माने, लेकिन उनका दिल तो उनको बता देगा कि ये अब जीतने वाले नहीं। तो जो दो दो तीन तीन चार चार बार के विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो भी हार जाएंगे, कोई भी नहीं जीतेगा, इतना पावरफुल है इन्हें। और हमको क्या करना है, केवल लोगों के साथ संगोष्ठियां करना है, और आपकी मदद के लिए 3500 वीडियोज हैं, उनको आप देखिए तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, और जो आपको वीडियो आपकी आत्मा के ज्यादा नजदीक लगे उसको पैसे से पहचान लीजिए, तो जब संगोष्ठी करने जाएं तो उसी वीडियो को जो है ना सुनिए, चर्चा करिए, लोगों को जोड़िए। और कुछ यदि ऐसे पागल लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें नहीं जुड़ना है, तो उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि हाँ उनके ओके लिए जो है कबीर दास जी एक व्यवस्था करके गए हैं, आपने सुना होगा और बचपन में पढ़ा भी होगा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। ये सुना है कि नहीं सुना है आपने? पढ़ा होगा, मैं मुझे आपने जरूर जो है ना हाँ सर प्राइमरी कक्षाओं बिल्कुल में इसे पढ़ा होगा, है ना। बिल्कुल हाँ सर
तो अब आप ये बताइए कि जब चारों तरफ जो है चंद्रगुप्तों की लालिमा और ये कॉन्सेप्ट जो है ना, संगोष्ठियां हो रही होंगी, चारों तरफ जो है ना क्राइम फ्री भारत के झंडे कैप और जो है ना वो सब दिख रहे होंगे, तो इस लालिमा से जो अभी जिनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, वो सब जो है लाल होके जो है ना साष्टांग नहीं हो जाएंगे, वो अभी नहीं होंगे, लेकिन आज नहीं होंगे, वो आपसे हाँ 6 महीने वो बाद होंगे, 5 महीने बाद होंगे, ठीक है तो तब तक के लिए उनको छोड़ देते हैं। और अपन को तो जो है ना 10 लोगों को अकेले जोड़ना है ना, और उन 10 लोगों को के पीछे पड़ के वो आगे 10 को जोड़े, वो 10 को आगे जोड़े, बस इतना ही तो करना है। और 21 विधाएं हैं, तो उसमें हम युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ रहे हैं, हम उसमें टीचर्स को जोड़ रहे हैं, शिक्षकों को जोड़ने की दूसरी विधा है। जरा मैं खोल लेता हूँ डॉक्यूमेंट तो मुझे आसानी होगी, राइट? मैं जरा उस ठीक डॉक्यूमेंट को खोल लेता हूं तो मैं आसानी से उसको रेफर करते हुए उन सभी 21 विधाओं के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर ही देता हूं। तो आई एम जस्ट ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट बेसिकली, ठीक है ना? एक सेकेंड, अलाउ मी टू ओपन द डॉक्यूमेंट। और मैंने ये डॉक्यूमेंट खोल लिया है, ये डॉक्यूमेंट पब्लिश भी हुआ है कल, ठीक है ना? सर तो इसमें 21 विधाएं हैं, ठीक है ना? सर और इसकी पहली विधा है कि अपने क्षेत्र में युवा व विद्यार्थियों को स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर या हॉस्टल में जाकर उनको ब्रीफ करें, उनको ऊर्जागृत करें, उनको समझाएं, और युवाओं और विद्यार्थियों के पास इतना बड़ा जो है समय है, उनका भविष्य बदलने वाला है, तो युवा और विद्यार्थियों को सबसे पहले जोड़ना हाँ सर है। इसकी दूसरी वो विधा है बात अपने प्रभाव क्षेत्र के शिक्षकों को जोड़ें, और शिक्षकों की हमेशा युग परिवर्तन में महती भूमिका रही है, और कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो जब गोविंद ईश्वर स्वयं खड़ा है और गुरु खड़ा हुआ है, तो भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें गुरु की वंदना पहले करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान से मिलाया है, राइट? तो ऐसे सर सभी गुरुओं को जोड़ना है। फिर तीसरा है मातृशक्ति को मोहल्ला संगोष्ठी व अन्य कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ना है, जोड़े। चौथा है व्यापारी, चाहे वो उत्पादक हों या ट्रेडर्स हों, इनसे बड़ी मात्रा में चंदा वसूली होती है, इनका उत्पीड़न होता है, इनका शोषण होता है, इनसे जो है ना चंदा वसूली की जाती है, इनसे कर वसूल किया जाता है, टैक्स के जो है ना बहुत भारी भरकम नियम बना के इनको दुखी किया जाता है, इनके ऊपर छापा मारा जाता है, इन्हें जो है बैंकक्रप्ट कर दिया जाता है, इनके अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, इनको बदनाम कर दिया जाता है। तो सभी जो है व्यापारियों को, छोटे बड़े, चाहे वो उत्पादक हों या ट्रेडर्स हों, इन सभी को जोड़ना है। पांचवा आपसे जुड़ा है, सैनिक और सेनानियों, जो वेटरन्स हैं, उन्हें जोड़ा जाए, उन्होंने अपने देश के लिए बहुत काम किया है, तो उनके जुड़ने से उन्हें सम्मान मिलेगा और वह महापरिवर्तन में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। छठवां है, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, हाथ ठेला, ट्रक वालों का शोषण बहुत है, तो उस शोषण से मुक्ति व्यवस्था के लिए उन्हें समझाया जाए और उनको जोड़ा जाए। सातवां है, पंच, सरपंच, पार्षद, जो कि विधायक एवं सांसद द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, उन्हें जो है दबाया जाता है, ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जिसमें वो उन्हें गलती करना ही होती है, और ये जब चाहे तब उनको शिकायत करके दबा दें। अब जैसे आपकी नरेगा है, उसमें हाँ सब काम जो है ना जेसीबी मशीन कर रही हैं, और बिल जो है वो मजदूरों के नाम पे फर्जी बन रहे हैं, पूरे दुनिया में यही हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में यही हो रहा है। तो आप जिस पंच सरपंच को जाओ जेल भेज दो ना, तो ऐसी घटिया योजना क्यों बनाई है आपने? तो इस बार उन्होंने कुछ बजट में वो नरेगा का भी वो कर रखा है थोड़ा, मनरेगा जो भी है इसका मैं कुछ वही कह बजट में रहा लग गया हूं, था। नरेगा और मनरेगा जो भी है, वो सभी जो है इनकी फॉल्टी योजनाएं हैं, और इन्होंने चारों तरफ ऐसा मकड़ जाल बना दिया है कि पंच सरपंच को भी जो है भ्रष्टाचार की महागंगा में नहाना पड़ रहा है, और वो भी पड़ दिनों रातों रात जो है ना अमीर बन जा रहा है, उसकी आत्मा कुढ़ रही है, लेकिन उसको वो ही करना पड़ रहा है जो ये सब कह रहे हैं।
राइट। तो राइट राइट सातवीं विधा है पंच सरपंच पार्षदों को जोड़ना है, क्योंकि जो पंच सरपंच और पार्षद विधायक और सांसद की बात नहीं सुनते हैं उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट करा के उन्हें जो है ना कलेक्टर के माध्यम से उनकी सदस्यता भी खत्म करा देते हैं, उन्हें पंच सरपंच के पद से भी हटा देते हैं। तो केस भी रजिस्टर करा रहे हैं, ये सब धंधे भी कर रहे हैं। राइट। आठवां पॉइंट है सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जो कि उनकी दरी बिछा रहे हैं, शामियाने लगा रहे हैं, घर घर जाके लोगों को निकाल रहे हैं, इनकी आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं अपनी ही व्यवस्था के माध्यम से, और थोड़ी बहुत राहत दे के उन्हें अपना चरण सेवक बनाते हैं। लिहाजा सभी कार्यकर्ता सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत है। उनसे ये नहीं कहा जा रहा है कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी को छोड़ दें, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन तो मिशन है। राइट। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का बने रहें, वो उसी श्रद्धा भाव से दरी बिछाएं, उसी श्रद्धा भाव से कुर्सियां लगाएं, होर्डिंग लगाएं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसी श्रद्धा भाव से करते रहें। केवल हमारा कहना है कि परिवर्तित भारत के लिए यदि आपको 21 अच्छे लग रहे हैं तो हमसे जुड़ जाइए, 10-10 लोगों को जोड़िए। यदि आप चंद्रगुप्त बन गए तो जो ना विधायक भी बन जाएंगे, और नंबर वन पे आ गए तो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, ठीक है ना। नौमा है कि पत्रकार जिनकी कलम को गुलाम बना दिया गया है उनके अंदर का स्वाभिमान को जागृत करने की जरूरत है, उन्हें पुनः जो है डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ के रूप में स्थापित करने के लिए पत्रकारों को जोड़ा जाए। यदि वो अपने पत्र में कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो उनको अपने पत्र में लिखने की बात अपन थोड़े देर के लिए छोड़ दें। राइट सर, हम पत्रों उसकी बात ना करें। राइट। हम किसकी बात करें उनसे कि भैया तुम लिखो, ये समझो बातों को, आप संगोष्ठियां करो, हम लोगों को जोड़ेंगे, मुख्य काम यही है। राइट। और इन सभी में जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, नेशनल प्रेसिडेंट बनना है हर विंग का, स्टेट का प्रेसिडेंट बनना है, फिर जो है डिवीजन का प्रेसिडेंट बनना है, फिर जो है जिले का प्रेसिडेंट, फिर सब डिवीजन का प्रेसिडेंट, ब्लॉक का प्रेसिडेंट, टाउन का प्रेसिडेंट, गांव का प्रेसिडेंट, इस सभी विधाओं में वहां तक पहुंचना है। और वो प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है कि नीचे के लोगों को जो है ना, जिसमें 5 जो है वाइस प्रेसिडेंट और 10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का हर जगह जो है ना हर लेवल पर व्यवस्था करने के लिए हम प्रेसिडेंट से अनुरोध कर रहे हैं, और 21 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएं। और फिर ये लोग सभी लोगों को जोड़ने के लिए निकलेंगे तो चारों तरफ जो है ना एक बहुत बड़ा वो हो जाएगा। राइट। पत्रकारों के बाद दसवां है किसानों को दूषित नीतियों से उन्हें आत्महत्या करने के लिए बाध्य होने हो रहे हैं। वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं किसान? हाँ सर, आप ये बताइए, उनसे आप जघन्य पाप करा रहे हो, उनको जो है ना आप केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के को जो है ना दलवा रहे हो, उसमें सब्सिडी दे रहे हो, उसके कारण हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है। पंजाब में और बाकी जगहों पे अब जो है ना कैंसर ट्रेन चल रही है, इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में कैंसर हो रहा है। कुछ जो है विद्वान और बुद्धिमान जो है ना किसानों से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं अपने लिए 1 एकड़ में अलग से पैदा करता हूँ। तो ये बताइए, ये किसानों की एक बहुत बुरी बात नहीं है कि वो जो है अपने लिए तो 1 एकड़ में अलग कर रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए कैंसर बेच रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के लिए। एक जो है मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इलेक्ट्रॉनिकली जुड़े हुए थे, वो मैं भी जुड़ा हुआ था। राइट सर, ये कॉन्फ्रेंस का जो है मुख्य हीरो थे वो थे आचार्य देवव्रत। इनका नाम सुना है क्या आपने? आचार्य देवव्रत? हाँ सर, ये सुना तो है, अपने गवर्नर रहे हैं, अभी हैं कहीं, ये कई राज्यों के गवर्नर रहे हैं, इस समय गवर्नर गुजरात हैं। ये गुजरात के? हाँ, पहले हिमाचल के थे उससे पहले। हाँ, हिमाचल के भी रहे हैं, शायद हरियाणा के भी रहे हैं। तो हरियाणा में? यस सर। हाँ, हरियाणा के भी रहे हैं, वो 3-4 दिन यहीं के हैं सर। आई थिंक इसे इवर्स, आई थिंक इसका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। हाँ हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इन्होंने इन्होंने जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मिलके बहुत रिसर्च की है। इनकी जो मुख्य जो रिसर्च है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इन्होंने रिसर्च करके ये सिद्ध किया है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। 300 करोड़, इट्स ए वेरी बिग नंबर। राइट। और जो गाय दूध नहीं दे रही है, बिना दूध देती गाय,
उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं। तो अच्छा आप ये बताइए, आपके लिए दूध देने वाली गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो दूध जो नहीं, तो गाय वो दूध जो नहीं दे जीवाणु रही? जो बता रहे हैं ना सर, वो हार्मफुल है या अरे वो तो बहुत ही अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं कि आपकी जमीन को पुनः जिंदा कर देंगे। वो तो इतने अच्छे हैं कि जमीन फिर से सौंधी हो जाएगी। जो अच्छा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण सभी हाँ सर, वो जीवाणु तो मर गए हैं और हाँ हमारी मिट्टी जो है ना कड़ी होती जा रही है, यही कारण है कि हमें हर बार ज्यादा पावर वाले ट्रैक्टर्स लगाना पड़ रहे हैं। आप याद करिए, पहले हम बखर से काम चला लेते थे, बैलों से, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमें पहले जो है ना कम पावर वाले ट्रैक्टर सब पावर बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन कड़ी हो रही है, उसमें जीवाणु गायब हो गए हैं। अब तो हम केमिकल स्ट्रेंथ पे ही जो है ना पैदा कर रहे हैं। यदि हम उसमें केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे तो कोई चीज पैदा ही नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद उस बात में थे और ये सब चीजें उन्होंने सुनी और उनकी सहभागिता थी, तो अगले दिन यदि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जगह होता तो मैं रासायनिक खादों और उससे पूरी सब्सिडी हटा लेता, नंबर वन। और मैं पूरी व्यवस्था को लगा देता कि इतने बड़ी मात्रा में जीव अमृत घन अमृत बनाइए और उसको जो है हमारी मशीनरी ही जो है ना डाल के आएगी सभी खेतों में। किसी किसान को कोई हिम्मत नहीं करना, कोई कुछ वो नहीं करना पड़ेगा उसको। सबसे बेस्ट जैसे अभी एक मिनट, जैसे प्रधानमंत्री जैसे इतना हाई पोस्ट पे जो बैठे हैं उनके लिए तो और भी इजी है ये इम्प्लीमेंट करना या जो भी हो करना। नहीं, कल ये हमारे लिए भी बहुत इजी होगा क्योंकि हम उनको रिप्लेस कर देंगे ना, हम उनको हरा देंगे। आप इसमें इसमें कोई भ्रम मत पालिए, बस केवल यदि आप अपना संगठन खड़ा कर दीजिए और 10 लोगों को जोड़ने का व्रत कर लीजिए, दो ही काम कर दीजिए आप, बस मैं आपको गारंटी देता हूँ मैथिली शरण गुप्त इन सभी राजनेताओं को पराजित कर देंगे और इनको जो है जो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर देंगे। यदि ये सब इतनी आसानी से हो रहा है, आप ना कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना कोई जुलूस निकाल रहे हैं, ना कोई 5 पैसे खर्च कर रहे हैं, ना किसी को पिटीशन दे रहे हैं, ना किसी को समझाइश दे रहे हैं, और हम इनको हरा के स्वयं जो है ना 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने की पूरी मेथोडोलॉजी रेडी है, तो आप बताइए कि हम इन मोटी खाल के लोगों से क्यों निवेदन करें, ये बताओ। और करें करें नहीं, और कर भी देना चाहिए क्योंकि हमारे वोट से चुने हुए हैं, लेकिन उनसे आशा ना रखें, निवेदन जरूर कर दें, आशा ना करें, क्योंकि ये तो जो है ना इतने निर्दयी और मोटी खाल के हैं कि जंतर मंतर पे बिटिया बैठी हुई हैं। एक आम आदमी को जो है ना न्याय मिलना चाहिए था कानून के तहत, ये तो कानून का भी पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें इसमें सर हमारे डिफेंस के भी है सर्विस में, उनका भी उनके साथ भी कुछ वो ये जातियां हुई हैं, इनोमलीज हैं, तो उसको भी कोई भी अटेंड नहीं कर रहा है उसमें। अरे ये सब अनोमलीज खत्म हो जाएंगी और सभी लोगों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी, ये मैथिली शरण की गारंटी है। भारत में धन की वर्षा होगी, भारत में पानी की वर्षा होगी, भारत में पानी फिर से 8 फीट पे आ जाएगा, पेड़ों की संख्या जो है ना दुगनी और तिगनी हो जाएगी, गायों की संख्या, सुनिए बात, गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएगी। आप ये बताइए, आपने जो है पशुओं को जो है ना बेकार कर दिया, गायों की संख्या घट गई है, हम एक जर्सी गाय बाहर से ले आए जिसका जो है ना Alpha 1 वेराइटी का घटिया दूध होता है, तो हमें हम तो ये दुष्टता कर रहे हैं ना, हम तो ये विदेशियों के जो ना जाल में फंसे जा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आज जो है 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और 65 करोड़ लीटर हम दूध कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि अधिकांश बच्चों को दूध मिल नहीं रहा है, राइट? तब जो है हम 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये राजनेता मोटी खाल के बताएंगे कि 48-50 करोड़ लीटर दूध हर दिन कहाँ से बन रहा है, ये तो बताए ना ये मुझे। और इनकी कार्य योजना क्यों नहीं होना चाहिए कि हमें 100 करोड़ लीटर दूध पैदा करना है जिससे हर बच्चे के लिए इंटाइटलमेंट हो, उसे आधा लीटर दूध मिलेगा। नहीं, हम कितनी मोटी खाल के होंगे ये बताओ ना मुझे। बहुत ही गहराई से आप सोच रहे हैं सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कितनी मोटी खाल के होंगे, कुछ तो सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन जो है अभी किस पे थे, अपन बात किसानों पे आ गए थे। हाँ, तो किसान जो है वो दूषित नीतियों के कारण आत्महत्या करने के लिए बाध्य हैं। और आप ये देखिए, हम किसान हमारा बेचारा एकड़ों में कोई चीज पैदा कर रहा है और कुछ लोग हाथ ठेला में 4x5 3x5 के हाथ ठेला में बेच रहा है,
वो उससे इतना धन कमा ले रहा है कि उसके ऊपर अच्छी जगमग वाली लाइट लग गई है, दो दो जो है ना आदमी सपोर्ट करने का है, और वो एकदम शॉर्ट, उनके चेहरे की चमक देखो, तो ये दुष्टता नहीं है। जो अच्छा पैदा कर ठीक रहा है उसकी शर्ट गायब हो रही है, और जो बीच के बिचौलिए बेचने वाले हैं उनकी जो ना ठाट हो रही है, आगे चल अच्छा के नहीं होगा। क्राइम फ्री भारत नहीं ने पूरा मॉडल बनाया हुआ है कि इसमें लास्ट ऐसा है ईयर। ना सर। हाँ, हाँ इसमें मैं ये चाह रहा हूँ ना, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये चीज ये नहीं होनी चाहिए, बट इसके उसका इसके अल्टरनेट भी होना चाहिए ना सर। इसके लिए पूरा मॉडल बना हुआ है कि हाँ कि कैसे जो अगर है, ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, है जैसे मिनट ना सर। पूरा मॉडल बना हुआ है, इसको हमने क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल कहा है, तो फिर जिसमें ये कहाँ क्वालिटी पे चेक होगी, मिलेगा पैकेजिंग सर। होगी, जिसमें कि जो है ना ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेयर हाउसिंग होगी, और हर किसी को जितना काम करेगा, ओनरशिप विल रिमेन ऑफ द प्रोड्यूसर, किसान की ना ना ओनरशिप फ्रॉम रहेगी। वेयर आई विल गेट इट सर, और ये भी है ना, कहाँ से मिलेगा ये, इसे लिंक से मिलेगा ये सब जो है ना इसके ऊपर वीडियोज बने हुए हैं, सर। डॉक्यूमेंट में ये बातें लिखी हैं, वीडियो में इसे समझाया गया है। ये कोई हाँ चीज मतलब है। बन के जमीन पे तो खड़ी नहीं हुई है ना, इसे तो करना पड़ेगा ना, हाँ ये हाँ राजनेता तो जरूरी इसे है। करेंगे नहीं। मैथिली शरण गुप्त ने पूरा चिंतन बताया है कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, और सर जो बीच की कड़ी है उसको इंस्टेंटेनियसली पेमेंट मिलेगा एड वैल्यू का। अब आप ये देखो, एक शर्ट है वो 500 रुपए में पैदा हो रही है, राइट? जो पैदा सर कर रहा है उसमें वो एक्साइज से लेके लेबर से लेके सूत से लेके हर चीज कर रहा है, वो 500 रुपए की शर्ट जो ना शोरूम में आ रही है 2,500 की बिक रही है, तो सर ये 2,000 रुपए इसको क्यों मिल रहे हैं शोरूम वाले को? हाँ तो ये वो तो जो शोरूम में बेचेगा उसे एड वैल्यू मिलेगी, केवल उसने जितना हाँ कंट्रीब्यूट किया उसके हिसाब से बस उसको उस पेमेंट होगा, और ओनरशिप हाँ किसान की बनी रहेगी। सर बात समझ रहे हो ना? तो ये पूरा हाँ सर। डिटेल्ड मॉडल है, ये बहुत ही डिटेल्ड मॉडल है। तो ये वही बोला ना, वो मॉडल जो है ना सर, हमें कहाँ मिलेगा वो ये जिसपे। ये सूत्र जो है डॉक्यूमेंट में है, जो कि हमने अभी कल भी शेयर किए, पहले भी पिछली बार शेयर करते ही रहते हैं, तो आप ऐप में जाएंगे तो एडमिन पोस्ट में आपको ये मिलेंगे। अच्छा ऐप अगले ऐप लिंक खोलने ऐप के में बाद जो है, ऐप में एक ऐप एडमिन पोस्ट होती है, तो जो पोस्ट जो है जिनको भी हमने एडमिन घोषित किया है वो सब जो है जो भी पोस्ट करते हैं वो वहां पे आती है। तो विशेष तौर पर मैन मेरी रहती है, लेकिन उससे जुड़ती जुड़ती और भी लोग जो है ना, ढेर सारे लोगों को हमने मॉडरेटर घोषित किया है, वो सभी लोग भी इसमें डालते रहते हैं और इसको हम रिपीट करते हैं, तो ये वहां मिलेगा। और फिर हर पॉइंट पर कैसे जमीन पे उतारा जाएगा, इसके टेक्नोलॉजिकल सेशंस भी हैं, जो हम छात्रों सर से यूनिवर्सिटीज को ब्रीफ कर रहे हैं वो भी हैं, और उन्होंने जो काम करके प्रेजेंटेशन दिया वो भी है, मतलब दे हैव ऑलरेडी डन लॉट ऑफ थिंग आउट ऑफ इट, राइट? लेकिन वो किसी दस्तावेज के फॉर्मेट में अभी कन्वर्ट नहीं किए गए हैं, क्योंकि अब हमें एनर्जी दस्तावेज बनाने में खर्च नहीं करना है, हमें लोगों को जोड़ के इन्हें हरा के फिर हम ये काम तो जो है ना बहुत आसानी से दूसरों से करा लेंगे ना। जब आपने सब चीजों के मॉडल बना लिए हैं तो फिर ये डंकीज का काम हम क्यों करते रहे? ये जो इतने बड़े सब विभाग आ जाएंगे, उनको जो कहा जाएगा कि 3 दिन में ये तैयार करो, इसमें ये करो, इसमें ये तैयार करो, इसमें रिसर्च करो, इसमें डिस्कोर्स करो, तो ना केवल बन के आ जाएगा बल्कि लोगों के व्यूज भी उसमें आ जाएंगे, उसको हम और रिफाइन कर सकेंगे दूसरों के व्यूज से, राइट? सर बात समझ रहे? सर तो मेरा कहना ठीक है कि यदि सब कुछ बन जाते तो फिर यही राजनेता चलते ना, तो ये तो नहीं कर रहे हैं ना। अब एक मैथिली शरण गुप्त से आप कितनी अपेक्षा करोगे? ये बात मान हाँ रहे सर हो नहीं मान रहे हो? तो और क्या, एक एक बंदा तो जब आपकी व्यवस्था बन जाएगी तो बड़ी आसानी से फिर आप इसे कर पाएंगे, ठीक है ना? फिर 11वां है कि मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ने वाली है, और वो बड़े आसानी से अपने जो है ना डिजाइनर हाउस में रह पाएंगे, ये व्यवस्था की गई है, और इसके लिए क्राइम फ्री भारत ने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल बनाया हुआ है। जो अभी स्लम एरिया में रह रहे हैं, जिनको हम गरीब नारायण कह रहे हैं, उन्हें सम्मान भी मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान भी मिलेगा, लिहाजा उनके पास जाइए, उनको जोड़िए। वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने जो है ना आज के उस सिस्टम में सभी लोग इतने बिजी कर दिए गए हैं, ना बहू के पास समय है, ना बेटे के पास समय है, ना बेटे के बच्चों के पास समय है, वो बोते मोटे मोटे बस्ते लेके जो है ना घूम रहे हैं, और बचा खोचा समय जो है ना उनके गेम्स और जो इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग वो आ गए हैं उनमें खर्च हो रहे हैं, और वरिष्ठ नागरिक के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो वरिष्ठ नागरिक मंदिरों में, यहाँ पर आश्रम में, पार्क में, गोल्फ में, जो जैसे समय जो है ना अपने कंस्ट्रक्टिवली बिताने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हम इन वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ के
इनको जो है ना इतने बड़े अनुभव के साथ जब वो जो है ना संगोष्ठियां करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे तो इन्हें जीने का एक मकसद मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ सर पक्का अभी पक्का जो समय पास कर रहे हैं उसकी वजह उनको जीने का मकसद मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? कुछ ना कुछ। हाँ सर वो तो है। मिल तो जाएगा। 14वां पॉइंट ऐसा है है कि सर, हाँ मैं जो है अपने लेवल पे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अपने कुछ जो पार्टनर हैं या वो हैं उनको, या टीचर है, या जो मेरे एयरफोर्स के हैं एक दो, या सर्विसमैन है जो वरिष्ठ है, उनको उनसे बात करके या उनको ये लिंक भेज के आप थोड़ा सा जो बात है, करके। हमारी जो वार्तालाप हो रही है ये भी कल तक अपलोड हो जाएगी क्राइम फ्री भारत। तो हाँ तो आप ये जो मेरे हमारी को, वार्तालाप है, बीइंग रिकॉर्डेड, हमने आपको बताया था ना, हाँ सर हाँ उसके सर पीछे मकसद ही यही है कि जैसे मान लो हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं तो इतनी जो सर एनर्जी लग रही है वो एनर्जी के फॉर्म में दूसरे लोगों को सुनने को मिल जाएगी। सर सर दैट इज द पर्पज। फिर इसके 14वें, ठीक मैं जल्दी से इनको 21 पॉइंट को आपको तो बता दूं तो जिससे आपको हमारी सोच की जो है ना लेंथ एंड विड्थ मालूम पड़ेगी। राइट सर 14वां है समाज सेवी संगठन। हमारे यहाँ पे ढेर सारे समाज सेवी संगठन हैं। हमारे कल्चर में है कि यदि हम एक रोटी है तो हम आधी रोटी बांट के खा सकते हैं, विशेष तौर पे गरीब लोग। और बहुत सारे समाज सेवी संगठन अपने अपने सीमित दायरे में सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन समाज सेवी संगठन जो कर रहे हैं वो करते रहें, साथ में क्राइम फ्री भारत को जोड़ें और जिन लोगों को वो लाभ पहुंचा रहे हैं उनको भी जोड़ दें। तो हाँ हाँ समाज वो तो सेवी है। हाँ संगठनों के काम को जो है एक बहुत अच्छा आगे चल के इंटीग्रेट कर लिया जाएगा तो उन्हें वो और अच्छा काम भविष्य में कर पाएंगे। राइट। राइट 15वीं विधा है वकीलों को स्वतंत्र भारत में नियम कानून और नई व्यवस्था बनाने के लिए भूमिका के लिए जोड़ें। मतलब इसमें इतने सारे नए कानून बन रहे हैं तो इसमें मूल भूमिका जो है वो बच्चों की होगी, स्टूडेंट्स की। क्यों? क्योंकि यदि हम पुराने वकीलों से ड्राफ्ट बनवाएंगे तो आज की वो प्रक्रिया से वो बंधे महसूस करेंगे, उनकी सोच उसके बाहर निकल ही नहीं पाएगी। राइट। तो सर हाँ ये सर हम बच्चों को समझा के, जैसे हमने ये कानून बनाया था, ये कानून के बच्चों के माध्यम से ही बनाया था, जो मैंने 30 सितंबर को भेजा है, इसकी ड्राफ्टिंग जो है लॉ के बच्चों ने की है अच्छा सर और उसके कम से कम 25 वर्सन जो है ना रिफाइन किए गए हैं। तो यही होगा, जब ये बच्चे बना देंगे फिर जो है ना वरिष्ठों से कहा जाएगा हाँ अब इस पे चर्चा करो। और वो जो है ना यदि कोई प्रक्रिया में, क्योंकि अभी की प्रक्रिया तो बदलना है, अभी की प्रक्रिया तो विलंब वाली है, अभी की प्रक्रिया में तो 30 साल का समय लगता है, हमको तो 3 दिन में न्याय देना है अधिकांश केसेस में, और 30 दिन से ज्यादा किसी में भी नहीं लगना चाहिए। यदि 30 दिन से ज्यादा समय लग गया तो वो जज महोदय जज नहीं रहेंगे। बात समझ रहे ना? तो वकीलों को जोड़ना है और इनका वो भी करना है, और इनको जब बच्चों से कानून बन के आ जाएंगे तब उस पे जो है ना रिफाइनमेंट का काम जो है वो ये वकील लोग करें। क्यों? क्योंकि सर तब रॉ ड्राफ्ट ऑलरेडी होगा तो यदि उसे वो पॉल्यूट करने की कोशिश करेंगे तो हम उनको पकड़ लेंगे, इससे क्या फायदा है? इससे तो कोई फायदा नहीं है। राइट। तो हाँ जो वो वैल्यू बिल्कुल एडिशन करेंगे जिससे फायदा होगा उसको हम ग्राह्य कर लेंगे, जिसमें उनका स्वार्थ दिखेगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना? ठीक 16वीं विधा है कि इंजीनियर, चूंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, जो आज जो बजट जो डेवलपमेंट हो रहा है इससे 10 गुना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा जो है ना धनराशि होगी। और धन तो मायना खो देगा, क्योंकि आपका जो है डेवलपमेंट की जो स्पीड है इट विल बी गवर्न बाय योर एनर्जी टू डू इट। आपके काम करने की क्षमता जो है ना आपकी डेवलपमेंट की स्पीड को तय करेगा, पैसा तय नहीं करेगा। पैसा राइट पैसा तो अपने आप बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो आगे हमारा डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होने वाला है, लिहाजा इंजीनियर्स को जो है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए उन्हें जोड़ना है और उनको जो है ना जो मॉडल्स ऑलरेडी बना लिए गए हैं उनको फादर रिफाइन करने में उनका सहयोग लिया जाएगा। 17वां है कि डॉक्टर को इंटीग्रेटेड पैथी के तहत निरोगी और दीर्घायु भारत निर्माण करने के लिए जोड़ें, और हर विधा के डॉक्टर को जोड़ना है क्योंकि इसमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाएगा। मरीज की बीमारी और उसका जो स्टेटस और किस समय टाइमलाइन पे ऑपरेट कर रहा है तो उसके हिसाब से कोई पैथी जो है ना प्राइमरी रोल करेगी, कोई सेकेंडरी करेगी, कोई टर्सरी करेगी, आइसोलेटेड तरीके से कोई काम नहीं होगा। अच्छा
राइट, तो डॉक्टर्स को जोड़ना है। फिर 18वीं विधा है वैज्ञानिकों को जोड़ना है, क्योंकि भारत को विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाना है। तो ये साइंटिस्ट को जो है ना मॉड्यूल दिए जाएंगे क्या करना है, और वो समर्पित भाव से काम करेंगे, तो जो बाद में काम करने वाले हैं उन्हें अभी भी जोड़ा जाए, जिससे वो अपने हिस्से का जो है लोगों को जोड़ने का काम भी करें। ठीक है ना, ये 18 हो गया। 18 के बाद 19 है अर्थशास्त्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और क्योंकि हमें आगे चल के करविहीन व्यवस्था लेके आ रहे हैं, क्योंकि धन हमें 20 गुना ज्यादा अवेलेबल होगा, तो हमें अपने लोगों को टैक्स नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो इन सब चीजों के जो फाइनर पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए हमें सीए अर्थशास्त्रियों को भी जोड़ना है, और वो जो है ना इंटर्न इसमें जब इस पूरे व्यवस्था को नवीन में लाने आएंगे, तो उनका इंटीग्रेशन और फाइनल होगा। तो अभी इस लेवल पे हम उनको जोड़ के और उनके माध्यम से जोड़ने का काम करेंगे, और बाद में उन्हीं का ही जो है जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी विकसित कर लिए हैं उसको फर्दर रिफाइन करने का टाइम बाउंड हम काम कर पाएंगे, राइट। अर्थशास्त्रियों के बाद है साधु एवं संत को सद्ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार कर जागृति लाने के लिए जोड़े। मेरा ये मानना है कि संत को तब तक जो है मोक्ष नहीं मिलता है जब तक वो जन कल्याण ना करे। तो एक ग्रस्त व्यक्ति को बिना जन कल्याण के भी मोक्ष मिल सकता है, लेकिन संत को जब तक वो जन जागृति और जन कल्याण नहीं करे उसको मोक्ष नहीं मिलता है। तो चाहे महावीर हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे किसी को भी महासंत को देख लीजिए, महापुरुष को देख लीजिए, उसने एनलाइटनमेंट के बाद जन कल्याण का काम किया है। क्यों? क्योंकि उसके बिना जो है ना उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब कि समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ना है ना सर, ये भी एक साधु और संतों को जोड़ना है और हर धर्म के लोगों को जोड़ना है, सर। मतलब हर धर्म में साधु संत हैं, राइट। तो राइट वो सर, लोगों को जोड़ने के लिए, और 21वां इसका अंतिम पॉइंट है कि भीड़ भाल स्थल और जो धर्म स्थल विंग है, ये जो है जहां पर नेचुरल कोर्स में भीड़ हो रही है, चाहे वो जो है उज्जैन की जगह हो जहां पर लोग बाग पहुंच रहे हैं, तो चाहे वो कॉमर्शियल एक्टिविटी हो, क्रिकेट चल रहा हो, चाहे वो हवन हो रहा हो, हाँ कहीं भी जहाँ भी भीड़ भड़का जो भी हो। भीड़ भाड़ की जगह है, वहां आप देखेंगे कि अपने आप जो है ना चाय वाला पहुंच जाता है, समोसे वाला पहुंच जाता है, तो उसी के साथ जो है क्राइम फ्री भारत की भी एक कनोपी पहुंच जाएगी, जहां पर सभी पोस्टर्स और ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे ऑन परचेज, जहां पर कैप और जो है ना टी शर्ट और उसके फ्लैग भी अवेलेबल होगा, और लोगों को वहां जोड़ने के लिए वॉलंटियर्स भी काम करते रहेंगे, और इसमें जो है ना उनको 10 या 15 रुपए का हर आइटम में प्रॉफिट देने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि उनका पेट भी पले। यदि उनका पेट पलेगा तो वो श्रद्धा भाव से लगे रहेंगे, मुफ्त में तो आप कहाँ से करा कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से 21 बाह्य विधाएं हैं और 21 ही इसके लक्ष्य हैं बदलने वाले। तो मेरे ख्याल से अपनी बात ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो 21 लक्ष्यों के बारे में ब्रीफिंग करते हैं, हमारे ढेर सारे वीडियोज हैं। तो जब आप क्राइम फ्री भारत पे वीडियो को खंगालना चालू करेंगे या ऐप में एडम पोस्ट में जब आप हमारे वीडियोज को खंगालेंगे, तो आपको जो है ना लगेगा कि वहां सोने की खदान पड़ी हुई है, और हमें जो है अभी उसको और अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि यदि आपने बेसिक मॉडल बना लिया है तो आप उसको एजिटेज थोड़ी उतार रहे हो, उसको आप रिफाइन करोगे, लोगों के व्यूज लोगे, जो हमने आपको बताया है कि पहले चाणक्यों के बीच में रिफाइन होगा, फिर जो है वो आम जनता के बीच में रिफाइन होगा, फिर जो है चंद्रगुप्तों के बीच में रिफाइन होगा, तब विधानसभा और पार्लियामेंट में जाएगा। तो इसमें लोगों के व्यूज को इनकॉर्पोरेट करने का, लोग उसको फर्दर रिफाइन करने का बहुत समय है अपने पास, राइट। तो अभी हम जो है उसके रिफाइनमेंट पे कोई काम नहीं करेंगे, अब जितना रिफाइनमेंट है उसी लेवल पे पड़ा रहने देंगे। अभी हमें लोगों को जोड़कर इन राजनेताओं को पराजित कर नई व्यवस्था को जो है ना नीचे लाना है, और एक बार यदि आपके पास वो आ गया है तो फिर सभी विभाग से लेकर हर किसी को आप जिम्मेवारी सौंप दोगे ना। तो जो काम अभी आप अकेले होके भिड़के कर रहे हो और इतनी एनर्जी लगा रहे हो, वो पूरे भारत की शक्ति उसमें आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ सर, तो हम वो काम बहुत आसानी से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो मेरा सोचना है कि इन चीजों की अब जितना कर लिया है अभी उसको उसी लेवल पे फ्रोजन रखा जाए। अभी हमारी पूरी एनर्जी केवल इन 21 लक्ष्यों में स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, वो लगातार जो है ना संगोष्ठियां करें, लोगों को जोड़ें, जिससे कि बिल्कुल
हम एग्जैक्टली मतदान के पूर्व सभी राजनेताओं को पराजित कर सकें जो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह बार के विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनका हारना तो 200% तय है। अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त होंगी, ये मेरी गारंटी है। तो कैसे होगा उस पर ज्यादा एनर्जी भी मत खर्च करिए, उसमें हमने बहुत होमवर्क किया हुआ है। मेरा तो कहना है कि एक ही आपसे अपेक्षा है, संगठन बनाने में मदद करिए, संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ने की मदद करिए, और पहले अपने लोगों को जोड़िए। जिनके पास आप कई समय से नहीं पहुंच पाए, उनको फोन करो कि मैं आ रहा हूं, आपसे बात करूंगा, आपके साथ चाय पीऊंगा। जो दूसरी जगह पे है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ लो, ठीक ठीक सर, और जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसको रिकॉर्ड करिए, और टेलीग्राम को डाउनलोड करके यदि आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसे क्राइम फ्री भारत पे जो है ना चैनल में भी अपलोड कर दूंगा और ऐप पर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक ठीक सर, तो हम यदि ज्यादा एनर्जी और समर्पित भाव से इसमें लग जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ओके सर जी, ये यही बात करेंगे आप सर, मेरे ख्याल से आप सहमत मैं हो गए इस करता बात हूँ। से, है ना? हाँ और इसमें जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता हारेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त भी आपके बीच का होगा। चंद्रगुप्त कोई अपनी पॉकेट में लेके नहीं आ रहा है, वो उभरता हुआ व्यक्ति है जो संगोष्ठी करके ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, और जो चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के जो है नंबर वन पे आ जाए, मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो यस सर, जो राष्ट्रीय स्तर पे अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जो है ना नंबर वन पे आ जाएगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इस समय इसमें कोई ऊपर से आपको थोपा नहीं जा रहा है कि जो है ना फलाने हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, फलाना जो है ना हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, जो नंबर वन पे आएगा वो बनेगा। और ये डिसीजन भी किस दिन होना है, जिस दिन जो है वोटिंग होगी, क्योंकि वोटिंग दिन तक लगातार हमें लोगों को जोड़ना है। तो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके आधार पर टिकट दिया जाएगा, वो इलेक्शन डिक्लेरेशन के दिन होगा, और जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो वोटिंग की नाइट में बनेगी। तो हम चाहते हैं कि जो है जब नोटिफिकेशन से लेके जब तक वो वोटिंग हो रही है उस दौरान भी बिना रुके थमे लगातार संगोष्ठियां करके हमें लोगों को जोड़ना है, और जो नंबर वन पे आ जाएगा वो मुख्यमंत्री बनना तय है, जो दूसरे और तीसरे नंबर पे आ जाएगा वो जो है उप उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, और जो नीचे के जो है ना डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन 25-30 या 40 या 45 जितना भी जहां का कोटा है उतने लोग मंत्री बन जाएंगे। तो बताइए आप, सब चीज आपके हाथ में है कि नहीं है, मुख्यमंत्री आपके हाथ में है कि नहीं है, टिकट आपके हाथ में है कि नहीं है, आप बताइए। इतना पावरफुल सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा जहां सब कुछ आपके हाथ में है। आप जितनी ऊर्जा डालेंगे, जितना आप आगे ले जाएंगे, इससे ओपन कंपटीशन कुछ हो सकता है क्या? देखते हैं सर कितना इसमें अब वो होते हैं, सफल होते हैं तो। मेरा सोचना है कि यदि हम दूसरों के बारे में सोचना छोड़ के सिर्फ अपने काम पर एक्शन ले लें, और जिनको हम जोड़ रहे हैं उनको ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके करें, और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि जिनको वो जोड़े हैं वो वही काम उनको करना है, इतने मात्र से अपना काम हो जाएगा। आप बाकी चिंताएं छोड़ दीजिए, मॉडल की चिंता छोड़ दीजिए, वो मैथिली सरगुप्त में जाने कितने वीडियोज में समझाया है, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको वो समझाने वाला भी एंगल मिल जाएगा। वो हर हर जगह वही बात समझाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, है कि नहीं? तो ठीक है सर, भारद्वाज जी, मैं अब यदि आपकी इजाजत हो तो इस संवाद को यहाँ विराम दें, ठीक है सर, राइट सर, और मैं मैं वही बोल आपको रहा लिंक भेज रहा हूँ, आप जुड़ जाइए। हूँ। ओके सर, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। जय हिंद।